हेलो J22 आर्मी, सो J22 के लिए थर्ड अटेम्प्ट पर क्लैरिटी आ चुकी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड, दो सिचुएशंस आपके सामने दी गई हैं. अगर आप अपना क्लास 12th या जो भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है वो 2020 या 21 में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, पास कर चुके हो, एंड आपने जेई एडवांस 2021 में खुद को रजिस्टर किया था, बट यू डिड नॉट अपियर इन बोथ द पेपर्स 1 और 2, जो जेई एडवांस के पेपर्स होते हैं. इस केस में आप एलिजिबल हो जाते हो जेई 22 के लिए. इस बार इसके लिए आपको जेई मेन 22 में अपियर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? यू विल हैव टू फिल द फॉर्म. आपको फीस देनी होगी, खुद को रजिस्टर करना होगा जब फॉर्म्स ओपन होंगे. तो वहाँ पे ये jeadv.ac.in पर जाकर आपको अपना क्राइटेरिया एक बार दोबारा चेक करना होगा. एंड ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो सीट्स हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम जो बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जेई मेन 22 क्लियर करके आएंगे, राइट? सो ये दिस इज वन सिचुएशन. Another situation is for students who qualified their class 12th या जो भी उसका equivalent exam, यानी आपने अपनी 12th जो पास की थी वो 2020 में ही कर ली थी. Secondly, JE Advanced में आप appear हुए थे सिर्फ या तो एक बार, यानी कि 2020 में, या फिर 2021 में, या फिर एक भी बार नहीं, right? अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप जेई एडवांस में अपियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड, ठीक है, तो इस बार ही डायरेक्ट नहीं है, प्रोवाइडेड आप जेई मेंस 2022 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, टॉप स्टूडेंट्स में जिस तरह सिलेक्शन होता है उस तरह से आते हो. आई होप ये जेई एडवांस 22 के क्राइटेरिया में जो रिलैक्सेशन दी गई है इसमें काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी. पूरा सर्कुलर का लिंक भी जो प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बाकी आपकी ब्रांड न्यू J22 के लिए सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जनवरी, एंड बिल्कुल भी एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, tinyurl.com/letskilJ22, जहाँ पर आपको मेरे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी विद माय हैंड रिटन नोट्स, आपके सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस का बैंक, NTA अभ्यास ऐप, सेंगेज बुक, एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू. सो मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक दिस आउट. टेक केयर एंड बाय बाय.